आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अब कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मुकदमे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची थी, जिसके बाद कार्यालय में उमड़ी भीड़ पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा, गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे, इसलिए पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। इसी जानकारी मुझे नहीं है और अब तो सरकार की सारे पर रोज मुकदमा लिखा जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं, अगर मुकदमा लिखना ही है तो सबसे पहले उनके खिलाफ लिखना चाहिए। आचार संहिता मुख्यमंत्री जी तोड़ रहे हैं और वो सार्वजनिक रूप से खिचड़ी खा रहे हैं। हम तो पार्टी काले में केवल समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने की आज घोषणा किए हैं, इसलिए अगर उनको FIR करनी है सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी करें, जो हजारों लोगों के साथ में आज खिचड़ी भोज में शामिल हुए। तो सीधे तौर पर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता का उल्लंघन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो वहीं सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई सपा के कार्यक्रम से, जहां सपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, डिजिटल माध्यम से जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डिजिटल कम और सार्वजनिक ज्यादा था, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं की भीड़ थी वो देखते बन रही है कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा है और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया, आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया, क्योंकि 15 तारीख तक रैली और भीड़ जुटाना मना है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह का नजारा कल देखने को मिला सपा कार्यालय में, क्या कहेंगे? आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल दोनों का उल्लंघन देखने को मिला था, उसके बाद भी इस तरह का बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी तक के जो प्रतिबंध लगाए थे तमाम जुलूसों पर, तमाम राजनीतिक रैलियों पर, उसके बावजूद जो ये कार्यक्रम कल किया गया है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की कल ज्वाइनिंग थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में और वर्चुअल रैली का जो कार्यक्रम है वो रखा गया था, और जो कार्यकर्ता है, आप देखा जाए कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर मौजूद थे, और इस पर समाजवादी पार्टी का स्पष्टीकरण भी सामने आया है कि हमने कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया था, ये सिर्फ एक वर्चुअल रैली थी और कार्यकर्ता खुद आए थे, कार्यकर्ताओं को हम नहीं रोक पाए। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय से स्थित गौतमपल्ली जो थाना है उस पे जो थाना प्रभारी है उनके खिलाफ भी निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है, उन्हें निलंबित कर दिया है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, महामारी एक्ट का उल्लंघन और साथ ही साथ धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है, और लगभग 2000 जो कार्यकर्ता हैं उन पर FIR दर्ज की गई। जी, जिस तरह से अब मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, इस पे क्या कहेंगे? वहां पे कितना, गोरखपुर में कितना उल्लंघन देखने को मिला आचार संहिता का? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पलटवार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर और कहा है कि मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर जाकर लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं, तो वो जो एक प्रथा के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे और वहां पर
खिचड़ी खाई थी। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले, गोरखपुर में आज से जो गोरखनाथ मंदिर, गोरख बाबा का मेला शुरू होने वाला है। और यहाँ पर जो आप बात की जाए तो हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो गोरखनाथ मंदिर में गोरख बाबा पर जो श्रद्धालु हैं वो खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। और इस बार अगर बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और गोरखपुर की हम अगर बात करें तो लगभग प्रतिदिन जो मरीजों की संख्या है वो 1,000 के ऊपर आती जा रही है। और ऐसे में इस तरह की परमिशन देना प्रशासन द्वारा ये कहीं ना कहीं काफी भयावह साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संक्रमण लगातार लगातार फैलता ही जा रहा है। और जो रेट है, पहले 1,000 पार हुआ, फिर 1,500, और आज अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में लगभग 2,000 से जो ऊपर जो प्रतिदिन मरीजों की संख्या है वो निकल कर आ रही है। और ऐसे में इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति देना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की का तमाम तरह से जो पालन करने की बात कही गई है प्रशासन द्वारा कि कड़ाई से नियम लागू कराए जाएंगे, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे वो कितना ज्यादा इस नियमों का पालन करते हैं और कितना ज्यादा कोरोना प्रोटोकॉल्स पर चलते हैं। जैसा कि प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें मास्क के साथ मंदिर में एंट्री की जाएगी और लाइन बाय वाइज उनको एंट्री की जाएगी। ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब आस्था जो आस्था होती है, जब हम किसी इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें दिमाग से निकल जाती है। और इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, अब जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है गोरखनाथ मंदिर में गोरख बाबा पर जो श्रद्धालु हैं वो खिचड़ी चलाएंगे और लगभग आज से 1 महीने तक के ये जो मेला है वो चलने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि इन जो पूरे महीने का जो ये सार्वजनिक कार्यक्रम है इसको लेकर और खास तौर की आज की बात करें प्रशासन इस कोरोना को कितना ज्यादा रोक पाता है, इस संक्रमण को कितना ज्यादा रोक पाता है, आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का कितनी कड़ाई से पालन करा पाता है। जी अजहर, जिस तरह से सपा के कार्यक्रम में भी काफी भीड़ देखने को मिली थी, कोई इंतजाम नहीं था भीड़ को रोकने का। और अगर बात करें आस्था की तो गोरखनाथ मंदिर में तो हर साल देखने को ये नजारा मिलता है, तो दोनों में काफी अंतर है। लेकिन अगर बात करें कार्यवाही की, उल्लंघन हुआ है कोरोना प्रोटोकॉल का तो किसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी? क्या सपा के ऊपर कार्यवाही होगी या मुख्यमंत्री के ऊपर? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से देखिए ये जो मामला है, ये पूरा मामला है, ये पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम की बात करें तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम था। तो यहाँ पर वैसे ही निर्वाचन आयोग ने पहले ही प्रतिबंध तमाम तरह के लगा दिए हैं, किसी तरह का जुलूस नहीं लगाया जाएगा और भीड़ ना इकट्ठी की जाए, क्योंकि नॉमिनेशन, जैसा कि हमने देखा है कि नॉमिनेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और नॉमिनेशन के लिए भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि जो प्रत्याशी हैं वो जुलूस ना निकालें, भीड़भाड़ लेकर चुनाव निर्वाचन आयोग ना पहुंचे और लगभग 2 गाड़ी में ही लोग जा सकते। तो तमाम तरह की जो हिदायत है वो निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा देखा गया कि कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से कोरोना जो था वो संक्रमण इतना ज्यादा फैल गया और किस तरह से तिराही तिराही मची और काफी अव्यवस्था देखने देखा देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति ना पैदा हो, निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सतर्क है और जो समाजवादी पार्टी का जो ये कार्यक्रम है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। और ये जो कार्यक्रम है, जो मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा एक कार्यक्रम है और ये प्रथा के तौर पर जिस तरह से हमेशा से चलता चला आ रहा है कि गोरखपुर इस दिन गोरखनाथ मंदिर में जो खिचड़ी का आयोजन है वो होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से उल्लंघन किया है निर्वाचन आयोग की के फैसलों का, निर्वाचन आयोग के आदेशों का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो सीधे तौर पर उल्लंघन तो किया गया आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का, तो इस सपा के कार्यक्रम के बाद अब ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही अब ये मामला भी गर्मा गया है गोरखपुर मंदिर का, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने भी कोरोना प्रोटोकॉल और साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन किया है, साथ में बैठ के लोगों के साथ बैठ के खिचड़ी खाते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत करेंगे। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिटनेट और पर्यावरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप पर बातचीत करेंगे और इसमें भाग लेंगे। ग्रोइंग फार्म रूट्स, नजिंग द डीएनए फार्म लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों को 6 वर्किंग ग्रुप में विभाजित किया गया है। बातचीत के दौरान प्रत्येक ग्रुप बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तुति देगा। तो कई ऐसे स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसके ऊपर आज बात करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 भागों में इनको बांटा गया है। आपको बता दें कि आज कॉन्फ्रेंस करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस पे स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिटनेस, पर्यावरण आदि इन सब अहम मुद्दों पर, जो कि देश दुनिया सभी के लिए अहम है, इन अहम मुद्दों पर आज बात करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप से जुड़ी चीजों पर भी बात करेंगे। साथ ही ग्रोइंग फार्म रूट्स, नजिंग द डीएनए फार्म लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों को 6 वर्किंग ग्रुप में विभाजित किया गया है ताकि इन पे आराम से चर्चा हो सके और बातचीत के दौरान प्रत्येक ग्रुप बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देगा। और इस खबर में हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह से आज पीएम मोदी बात करने वाले हैं अलग अलग विषयों पर, वो चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर प्रणाली से जुड़ी हो, स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ी हो, कृषि से जुड़ी हो, कारोबारियों से जुड़ी हो, तो जो स्टार्टअप पे बात करने वाले, कितना अहम है और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, साफ तौर से काफी अहम ये जो कार्यक्रम है वो माना जा रहा है। और आपको बता दें, ये इस कार्यक्रम की शुरुआत, ये भारत की आजादी महोत्सव का एक पार्ट है और इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2016 में की गई थी और ये 6वीं वर्षगांठ के तौर पे मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम का जो टाइटल है वो ये रखा गया है, सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इनोवेटिव इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टअप्स लगभग इस कार्यक्रम में लगभग 150 जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो कारोबारी हैं, वो जुड़ेंगे और इनको 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। और ये 6 भागों में डिवाइड होकर जिसमें तरह तरह के नाम भी दिए गए हैं, ग्रो फ्रॉम रूट्स एंड तो तमाम तरह के जो है वो नाम दिए गए हैं। तो ये अपनी जो प्रपोजल्स हैं, अपनी प्रस्तुति है, वो प्रधानमंत्री के सामने पेश करेंगे। इसमें तमाम तरह की जो चीजें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो और एंटरप्राइजेस सिस्टम हो, तमाम तरह की चीजों पे जो स्टार्टअप्स प्रपोजल्स हैं, वो जो कारोबारी हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे। और तमाम तरह के आज कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। और इस चर्चा, ये जो चर्चा का मेन जो मकसद है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की जो जरूरतें हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जा सके और किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो अपने ही देश में किस तरह से बढ़ाया जा सके और इससे अर्थव्यवस्था को कितना ज्यादा फायदा मिलता है, इन तमाम चीजों पे आज चर्चा होने वाली है। जी, असर लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें फार्म लोकल टू ग्लोबल की बात हो रही है, यानी कि पूरी ग्लोबली तरीके से जो है फार्म को पहुंचाने की बात हो रही है, तो इससे कितना फायदा होगा किसान को और कृषि क्षेत्र को? जी बिल्कुल, साफ तौर से शिखा, जिस तरह से एक इसमें 3 जो ऐसे टॉपिक हैं वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए माने जा रहे हैं, जैसा कि एक कृषि हो गया और पर्यावरण है और फिनटेक, जो फिनटेक है, जो डिजिटलाइज टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटलाइज मार्केटिंग है, उसको हम फाइनेंशियल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण माना गया। और ये जो टाइटल दिया गया है ग्लोबल लोकल टू ग्लोबल, तो कहीं ना कहीं ये कानून कृषि के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है और तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि लोकल टू ग्लोबल का एक ही मायना हो सकता है कि जिस तरह से हम यहाँ पर
कितना ज्यादा बढ़ावा देते हैं और किस तरह से उत्पादन बढ़ाते हैं, क्योंकि जब किसी भी देश में उत्पादन बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था भी उसके साथ बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं अभी हम बाहर देशों से चीजें इंपोर्ट करते थे और अब हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम फिनटेक की बात करें जो कि काफी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो माना जा रहा है, फिनटेक फाइनेंशियल जो डिजिटलाइज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से हमें देश को यूपीआई मिला और ऑनलाइन ट्रांसैक्शन मिला, डिजिटल मार्केटिंग मिली और डिजिटल नेट बैंकिंग मिली, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो डिजिटलाइज हो रही है इससे काफी ज्यादा रोजगार भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी काफी बल मिलेगा। जी, एक क्षेत्र और बांटा गया है, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास। तो चैंपियंस बनाना यानी कि देश को और आगे बढ़ाना, जैसे खेल क्षेत्र जहां पे कम देखने को मिलती है लोगों की रुचि, लोग डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा बनना चाहते, खेल के क्षेत्र में कम जाना चाहते हैं, और आज स्टार्टअप कारोबारियों से बात भी करेंगे, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जो कारोबारी है उनको सरकार से कितनी मदद मिली, इस विषय पर भी बात हो सकती है। जी, जैसा कि पिछले 6 सालों में काफी मदद मिलती आई है, जो स्टार्टअप प्रपोजल्स रखे गए थे सरकार के सामने, प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन प्रपोजल को लेकर और इन तमाम चीजों को, जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो बीते 6 सालों में जो स्टार्टअप्स कारोबारी हैं वो लगातार प्रपोजल लेकर आते गए हैं और उनको काफी ज्यादा फायदा भी और काफी ज्यादा सहारा भी सरकार द्वारा मिला है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी इन तमाम अपेक्षाओं के साथ जो कारोबारी हैं, स्टार्टअप कारोबारी हैं, वो आए हैं अपने अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री को, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा और सरकार द्वारा पूरी तरह से उनकी मदद की जाएगी उनके आइडियाज को बढ़ाने के लिए, उनके स्टार्टअप आइडियाज को बढ़ाने के लिए और उनके प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो आज करीब 150 कारोबारियों से बात करेंगे, स्टार्टअप कारोबारियों से संवाद करेंगे, जिस तरह से सरकार से मदद मिली है और किस तरह से देश इन स्टार्टअप से आगे बढ़ रहा है, कारोबारियों को मदद मिल रही है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, कितना रोजगार बढ़ गया है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री बात करेंगे, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग टॉपिक्स पर, जो कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण। पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी ग्लोबली तौर पर इस पे जोर दिया जा रहा है, पूरी दुनिया इस मुद्दे पे जोर दे रही है, उठा रही है और सबको जागरूक कर रही है कि जो पर्यावरण है उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है, और इस पे भी आज प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।